हेलो गाइस, टेक्निकल काम दे में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताऊंगा आप अपने फेसबुक अकाउंट से अपना पेज कैसे क्रिएटर कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपना फेसबुक ऐप बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास फेसबुक ऐप नहीं है तो आप सिंपल प्ले स्टोर से फेसबुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। और आपसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, फेसबुक ऐप ओपन कर लीजिए। ये मेरा फेसबुक ऐप ओपन हो गया है, आप भी सिंपल इसको लॉगिन कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पर थ्री लाइन का आइकॉन दिख रहा है मैसेंजर के नीचे, यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर पेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से ब्लू आइकन का यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएटेड पेज, यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्ट, यहाँ पर जाके सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना पेज का नाम मांगा जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए, जिस नाम से आप अपना पेज ओपन करना चाहते हैं। तो सिंपल मैं ये अपना नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं कुमार देव नाम से अपना आईडी बना दिया हूँ। इसको फिर डन कर दीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्ट एक कैटेगरी, यहाँ से आपसे कैटेगरी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर बहुत सारा कैटेगरी का ऑप्शन आ चुका है, आप किस माध्यम से अपना पेज बनाना चाहते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी उस जैसा ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिंपल ये अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर नीचे में सेलेक्ट एक कैटेगरी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर मैं कम्युनिटी पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। ये मैच नहीं कर रहा दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे इस नाम का आईडी बन चुका है, तो मैं यहाँ से सिंपल अपना नाम चेंज कर देता हूँ और यहाँ से डन कर देता हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। और फिर से आप वही कैटेगरी डाल दीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर अदर और नीचे में कम्युनिटी, और यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। थोड़ा वेट लग रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है। जैसे आप कोई भी बिजनेस के माध्यम, आपके अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर आप इनको डाल देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो सिंपल यहाँ पर कोने में आपको स्किप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा आईडी बन चुका है। अब आपसे यहाँ पर कवर फ़ोटो मांगा जा रहा है, प्रोफाइल का फ़ोटो मांगा जा रहा है, तो आप सिंपल यहाँ से क्लिक कर दीजिए। और मैं कोई भी यहाँ पर फ़ोटो रख दीजिए, जैसे मैं यही वाला रख देता हूँ दोस्तों, देखिए। और यहाँ पर सेव कर दीजिए, यहाँ पर मेरा फ़ोटो आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर स्किप कर दीजिए। इसके बाद आपसे यहाँ पर कवर फ़ोटो मांगा जा रहा है दोस्तों, आप अपना माध्यम से अपना कवर फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मेरा ऑलरेडी ये पेज बन चुका है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही।